स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में। मैं ममता मिथिलांचल आज की रेसिपी लेके आई हूँ पनीर टिक्का। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने लिया है पनीर आधा किलो, कसूरी मेथी, जीरा पाउडर, चाट मसाला, तंदूरी मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसन भुना हुआ लिया है, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैक पेपर थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे गाढ़ी दही लिया है, एकदम गाढ़ी दही है और फ्रीज से निकाला हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से फेंटूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा पाउडर, चाट मसाला। ये सब मसाला जो मैं डालूंगी वो आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डालें। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। लहसुन अदरक का पेस्ट, कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। यहाँ पे मैं अब दे रही हूँ तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला मैं 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा दूंगी, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं इसमें दे रही हूँ भुना हुआ बेसन। भुना हुआ बेसन जो है हमें 2 ही चम्मच लेना है, थोड़ा सा रह गया इसे मैं नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें दे रही हूँ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हमें बस थोड़ा सा ही देना है। अब इन सबको मिक्स करना अच्छे से। देखिए हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी गरम तेल। गरम तेल जो है हमने लेना है, सरसों का जो तेल होता है वो लेना है। अब मैं इसको अच्छे से इसको जो है गरम करूंगी। तब तक मैं इसमें जो डालूंगी शिमला मिर्च, प्याज। शिमला मिर्च प्याज आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। टमाटर मेरे पास लाल पीला शिमला मिर्च नहीं था तो इसलिए मैं नहीं डाला, आप लोग के पास हो तो दे सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर, अब मैं इन सबको अच्छे से हाथ से मिक्स करूंगी ताकि हमारा पनीर टूटे नहीं और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। देखिए हमारा ये मिक्स हो चुका है। देखिए हमारा तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, धुआं भी निकल रहा है इसमें से। अब मैं इसमें क्या करूंगी, डाल दूंगी इन सबको। गर्म तेल देने से जो हमारा फ्लेवर अच्छा आता है तो आपको ज़रूर डालें। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, जो बीच में है थोड़ा सा जगह बना के इसमें एक छोटी सी कटोरी रख दूंगी। इसमें मैंने ये गरम कोयला है, ये कोयला मैंने जो है गैस पे आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था, एकदम काला हो गया है ये। अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ। अब मैं इसको तुरंत ढक दूंगी। मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालें। ढक के इसको कम से कम जो है 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 से 20 मिनट हो चुका है। देखिए इसको देने से जो हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये देना ज़रूरी है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। इन सबको मिक्स कर दिया है। इस तरह से एक स्टिक ले लें। ये जो है पनीर टिक्का, चिकन टिक्का बनाने वाला आता है, मैंने भी लिया हुआ है। अब इन सबको मैं एक एक करके डालूंगी। पहले टमाटर, फिर पनीर, फिर प्याज, फिर शिमला मिर्च, इन सबको बारी बारी इसमें डालते जाएंगे। अब मैं इन सबको जो पकाऊंगी। इस तरह से एक जार जो मैं ले लें, रोटी सेकने वाला ये आता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब मैं इन सबको क्या करूंगी, इसके ऊपर देखें इसको घुमा घुमा के जो मैं गैस का जो फ्लेम है वो लो ही रखूंगी और धीरे धीरे इसको पलटते रहना है ताकि ये हमारा जो अच्छे से पके, जले नहीं। एक बार में 2 ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें। देखिए हमारा जो है पनीर टिक्का बन के रेडी है। अब मैं इसको बस थोड़ा सा और सेकूंगी। अब मैं इसी तरह से सारा जो है पनीर टिक्का बना कर रेडी कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा है, एक बार ज़रूर ट्राई करें आप लोग।